हेलो सर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम अंडर सिंगल फोर्स कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम अंडर मल्टीपल फोर्स कैसे सॉल्व करते हैं। और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखी है और इसको सॉल्व करूँगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में कि ये 5 kg ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक है, 3 kg ब्लॉक है। यहाँ पर फोर्स 20 N लगा हुआ है, यहाँ पर फोर्स 10 N लगा हुआ है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 है, और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है। तो पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है? तो जो मैंने बताया था कि सिंगल फोर्स के अंडर कि सब लोअर कॉन्टैक्ट में देखते हैं जहाँ लिमिटिंग वैल्यू सबसे कम होती है, वहाँ पर स्लिपिंग पहली बार होती है। तो अब उस कॉन्सेप्ट को इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें तीन कॉन्टैक्ट हैं, तीनों में कहीं ना कहीं तो पहली बार स्लिपिंग होगी, उसके बाद पहली स्लिपिंग होगी तो फिर दूसरी स्लिपिंग कहीं ना कहीं होगी, फिर तीसरी स्लिपिंग होगी। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग पॉसिबिलिटीज़ पर काम करेंगे। ओके, तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है तो पहला केस एज्यूम किया जाता है देयर इज़ नो स्लिपिंग एनीवेयर। केस फिर केस टू कि फर्स्ट स्लिपिंग कहीं माना जाता है, फिर ऊपर के कॉन्टैक्ट्स वेरीफाई किए जाएंगे, फिर अगर फेल हो गया तो अगला केस मानेंगे कि फर्स्ट स्लिपिंग कहीं और हुआ, फिर ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। केस वन, मैंने अज्यूम किया नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग एनीवेयर, किसी भी कॉन्टैक्ट पे कोई स्लिपिंग नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर है? जीरो। तो अगर मैं 5 kg के एबीडी बनाऊँ, 5 kg के एबीडी, तो फ्रिक्शन में आगे को दिखाऊंगा, लिखूंगा एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। तो इस कॉन्टैक्ट पे जीरो फ्रिक्शन चाहिए नहीं भागने के लिए, जबकि मैक्सिमम लिमिटिंग कितनी मिल सकती है? 10। तो ये ठीक है। अब बनाएंगे 2 kg के एबीडी, जब 2 kg के एबीडी बनाएंगे तो यहाँ फ्रिक्शन जीरो है, ये कितने का है? 20 का। तो यहाँ का फ्रिक्शन मैंने एफ1 दिखा दिया, अब ऊपर से फ्रिक्शन आएगा नहीं क्योंकि 5 पे आपने फ्रिक्शन जीरो दिखाया है। एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए 20 - F क्या आना चाहिए? जीरो। इससे F की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो यहाँ का फ्रिक्शन 20 आ गया, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 7। लिमिटिंग 7 है ना, दिस इज ग्रेटर देन 7। इसका मतलब कि ये केस गलत हो गया, कि आप इस चीज़ को माने कि कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है। अब केस टू एज्यूम करिए, केस टू में मैंने माना स्लिपिंग, फर्स्ट स्लिपिंग कहीं तो मानना पड़ेगा, अब ऊपर फिर बीच में फिर नीचे कहाँ माने? तो हमेशा शुरुआत ना नीचे से करना चाहिए। मान लिया कि नीचे स्लिपिंग नहीं हो रही है, फिर वेरीफाई किया जाएगा, अगर ये फेल हो गया तो ऊपर मानेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। केस टू, मैंने एज्यूम किया कि स्लिपिंग बॉटम पे होगा, फर्स्ट स्लिपिंग एट बॉटम, बॉटम पे फर्स्ट स्लिपिंग होगी, मैंने मान लिया। कोई तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं सब, तो बहुत परेशान मत हो ना, ऐसे यूज़ किया जाता है बस। देखो, तो अगर मैं फर्स्ट स्लिपिंग बॉटम में मान लिया, इसका मतलब है कि यहाँ स्लिप नहीं कर रहा, यहाँ स्लिप नहीं कर रहा, मतलब ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ जा रहा है, मतलब तीनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं और स्लिपिंग सिर्फ बॉटम पर हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन सबका सेम है, तो सेम है तो पूरे को सिस्टम मान। सिस्टम मानने का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सिस्टम मान लेते हैं, अगर आप सिस्टम मान लेते हैं तो यहाँ का फ्रिक्शन इंटरनल तरफ से गायब हो जाएगा, यहाँ का फ्रिक्शन इंटरनल तरफ से गायब हो जाएगा, बस बचेगा ये। तो यहाँ का फ्रिक्शन पीछे को दिखा दीजिए कितने का? 20 का दिखा दिए, और ये वाला फोर्स कितने का? 10 का, और ये वाला फोर्स कितने का है? 20 का, और सिस्टम बना लिया ये कितने का है? 5 kg। ये कितने का? 2 kg। ये कितने का है? 3 kg का। तो सिस्टम के एबीडी में यहाँ के फोर्स इंटरनल तरफ से गायब हो गया, सिस्टम पर नेट फोर्स क्या आएगा? 30 - 20 बराबर टोटल मास, 5 + 2 = 7 + 3 = 10 इंटू ए, इससे ए की वैल्यू क्या आ गया? 1। अब 1 आने के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा कि यहाँ का फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। तो अगर 5 kg ब्लॉक की एबीडी बनाऊँ तो मैं फ्रिक्शन आगे को दिखाऊंगा और क्या लिखूंगा? एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यू क्या आ गई? 5। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 10। ये 10 से कम है ना, इसका मतलब ये सही है। इसके बाद क्या करेंगे? 2 kg की भी वेरीफाई कर लें, 2 kg की। तो इस पे अगर आपने आगे माना है तो इस पे यही किधर आएगा? पीछे 5। और आपने कहा है कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी, तो अपने मन से स्टैटिक फ्रिक्शन मान लीजिए, इसको आप F1 मान लीजिए, F2 मान लीजिए, और ये वाला फोर्स कितना? 2 kg के एबीडी बना रहा हूँ,
ये वाला फोर्स कितना है 20 का, अब लिखिए ए बराबर में, तो 20 माइनस 5 माइनस एफ टू बराबर 2 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना आया था 1 आया था ना 1। सॉल्व करिए एफ टू की वैल्यू क्या आ गई, ये 15 टू 13 आ गई, और इस कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम क्या मिल सकता है 7, तो ये 7 से क्या है ज़्यादा है, ये गलत हो गया। इसका मतलब जो आपने माना है कि पहली स्लिपिंग बॉटम होगी, ये बिल्कुल गलत है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, लेट्स एज्यूम कि फर्स्ट स्लिपिंग बॉटम पे ना होके फर्स्ट स्लिपिंग कहाँ होगी, इस कॉन्टैक्ट पे, तो इस कॉन्टैक्ट पे चेक करते हैं। केस थर्ड हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि फर्स्ट स्लिपिंग डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि कहाँ हो रही है। केस थर्ड के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट स्लिपिंग यहाँ माना, तो फर्स्ट स्लिपिंग यहाँ मान रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ जाएंगे साथ, और यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही है मतलब ये रुका हुआ है, तो 3 kg ब्लॉक रुका होना चाहिए, तो 3 kg के एबिटी बनाए कि वेरीफाई करते हैं, ये 10 का दिखाएंगे, अगर ये 2 और 5 kg ब्लॉक एक साथ आगे को जा रहे हैं तो इससे फ्रिक्शन पीछे और इससे फ्रिक्शन आगे, तो 3 kg पे फ्रिक्शन आप आगे को दिखाएंगे, और कितना दिखाएंगे स्लिपिंग हो रही है तो 7, और यहाँ पर आप स्टैटिक मान रहे हैं तो F1 दिखा दीजिए, नेट फोर्स 0 कर दें इस पर, और ये भी तो, और ये 10 आपने दिखा रखा है, नेट फोर्स 0 करिए, 10 + 7 माइनस F1 बराबर 0, क्योंकि बॉटम स्लिप नहीं कर रहा है, इससे F1 क्या आ गया, F1 आ गया 17 के बराबर, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 20, ये लेस देन 20 है, मतलब ये आपने फिर भी ठीक किया। अब यहाँ पे स्लिपिंग हुई तो ये यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, दोनों ब्लॉक साथ जाएंगे, तो आप दोनों ब्लॉक एक सिस्टम बना लीजिए, सिस्टम बना लीजिए, ये 5 kg, ये 2 kg ब्लॉक, ये वाला फोर्स कितना है 20 का, और ये वाला फ्रिक्शन कितने का आएगा, स्लिपिंग हो रही है तो 7 का, इस पर लिखेंगे एफ बराबर में, तो 20 - 7 इज इक्वल टू, टोटल मास क्या है 7 × a, 20 - 7 बराबर 7 × a, इससे a की वैल्यू क्या आ गई, इस 13/7, अब वेरीफाई करना बाकी है, अब 5 kg ब्लॉक की वेरीफाई कर लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स आप आगे कर दिखाइए, क्या लिखेंगे एफ बराबर, इसको F2 लिख लीजिए, मास इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना 13/7, दिस इज 65/7, और यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है 10 है, तो ये 10 से कम है तो ये सही है। अब तो फिर सही हो गया ना भाई, 5 और 2 के बीच में फ्रिक्शन आपने प्रूफ कर दिया कि लेस देन 10 आ गया, इसका मतलब क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा कि 3 kg ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, 2 kg और 5 kg ब्लॉक एक साथ भाग रहे होंगे, कितने से 13/7 से, और दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना होगा 65/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दीज आर आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0, 2 kg ब्लॉक का और 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप कितना लिखेंगे 13/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स लिख लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 3 kg एंड ग्राउंड इज 20, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक इज 7 N, एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड 2 kg ब्लॉक इज 65/7 N। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो एक प्रॉब्लम ये डिस्कस किया, फिर एक आध प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं बाद में, थैंक यू।